बुरी संगत उस कोयले की तरह होती है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और अगर ठंडा हो तो हाथों को काला कर देता है। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे हम बनते हैं, इसलिए हमेशा चुनिए अच्छे लोगों का साथ, और ना मिले तो अकेले ही रहना अच्छा होगा। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा आप क्या हो, नहीं तो लोग अंदाजा ही लगाते रहेंगे, ये ऐसा है ये वैसा है। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ जीवन बिताते हैं। दोस्तों, कामयाबी के लिए सबसे अच्छी हैबिट है अच्छी संगत। देखो, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो लेकिन थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकते। थॉट्स कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। कौन आदमी आपके कान में आके क्या बोल देगा, इससे आप कितने बर्बाद हो सकते हो इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खाने में अगर कोई जहर मिला दे तो उसका इलाज होता है, लेकिन कान में अगर किसी ने जहर भर दिया या मिला दिया उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तो आपके आसपास जो सर्कल है वो शानदार लोगों का होना चाहिए, और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले ही रहें। और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो अगर आप डेवलप कर सकें तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। आपकी संगत डिसाइड करती है आपका फ्यूचर क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके ग्रुप में 10 लोग हैं और वो फिटनेस को लेकर बड़े जिज्ञासु हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपका पेट कभी निकल ही नहीं सकता। और अगर आपकी संगत में आड़े टेढ़े लोग हैं, आलसी हैं, तो आपका भी महीने भर बाद वही हाल होने वाला है। तो आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है, सारा का सारा खेल संगत का होता है। अब अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ढूंढनी पड़ेगी अच्छी कंपनी, गुड कंपनी। देखो, बैड कंपनी आपको नुकसान करेगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम पहचाने कैसे गुड कंपनी है या बैड कंपनी। किसी के माथे पर लिखा हुआ तो होता नहीं है कि ये गुड है ये बैड है। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए बड़ा सिंपल फिलोसफी है। जिन लोगों के बीच में आप बैठ के अनकंफर्टेबल रहते हैं, बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है, वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। और जिन लोगों के बीच में आप कंफर्टेबल हैं वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट नहीं है, अच्छी नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए अनकंफर्टेबल होना, अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही होगा। उस जोन में कभी मत रहिए जहां आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि सफलता और आरामदायक जीवन का कोई मिलान नहीं होता। सफल वही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, आराम को हराम मानते हैं, और कभी भी जिंदगी में किसी भी सफल आदमी की बुराई नहीं करते। अगर आपको सफल होना है तो हमेशा हार्ड ग्रुप में ही रहना, उस स्मार्टर ग्रुप में मत रहिए जहां आप सबसे स्मार्ट हों, सबसे अमीर हो, सबसे ज़्यादा नॉलेज हो। देखिए, आप उस ग्रुप में चौधरी तो रहेंगे, उसमें आपको आनंद मिलेगा, उसमें आप कंफर्ट रहेंगे, सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो आप कहेंगे हाँ मुझे सब पता है, लेकिन आपको लॉस होगा, ग्रोथ नहीं होगी। देखिए, आपके पास ग्रोथ वहाँ होगी जहाँ आपके पास सबसे कम नॉलेज है, सबसे ज़्यादा सीखने को वहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।